हाय गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब PCC फॉर 1:3:6 इस पर्टिकुलर मिक्स का हम किस तरीके से रेट एनालिसिस करेंगे। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो वीडियो को हम एक्सपेक्ट करते हैं 1000 लाइक्स तक, और उसके बाद ये पर्टिकुलर शीट मैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको रेट एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी, यूनिट और अमाउंट आपको रखना पड़ेगा। पीसीसी का काम करने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, स्टोन ब्लास्ट चाहिए 40 mm के इस पर्टिकुलर मिक्स के लिए, आपको मेसन चाहिए, हेल्पर चाहिए और फीमेल हेल्पर चाहिए। सीमेंट आपको लगेगा फॉर 1 m³ क्वांटिटी। अभी ये जो कर रहा हूँ मैं 1 क्यूबिक के लिए कर रहा हूँ, 1 क्यूबिक मतलब 1 m³ के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये 1 m³ के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे 4.38 इतनी मुझे क्या लगेगी, नंबर ऑफ बैग लगेगी। मुझे सैंड लगेगी 0.48 क्यूबिक। मुझे जो स्टोन लगने वाले स्टोन ब्लास्ट 40 mm के, वो मुझे लगेंगे 0.95 क्यूमिक मतलब मीटर क्यूब। मुझे 0.1 ईच मतलब एक मुझे मेसन लगेगा जो 0.1 इतना ही काम के लिए मुझे लगेगा। ओके, उसके बाद एक मुझे हेल्पर लगेगा पूरे दिन के लिए और एक फीमेल हेल्पर लगेगी 1.4 डेज के लिए। ठीक है, तो इनके रेट हमें यहाँ पे डालने होते हैं। जैसे मान लो एक सीमेंट की बैग का रेट 300 रुपये, तो आप 300 रुपये डालो तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कॉस्ट चेंज हो जाएगी। सैंड का क्या रेट है, 1 m³ के लिए कितना सैंड आपका कॉस्ट होता है, आप यहाँ पे डालिए, मान लो 480 रुपये मैंने डाल दिए, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कॉस्ट चेंज हो जाएगी। स्टोन बालास के लिए मैंने यहाँ पे डाला 700 रुपये 1 m³ के लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कॉस्ट चेंज हो जाएगी। मेसन का मान लो एक दिन का जो खर्चा है वो पकड़ लो 250 रुपये है। ठीक है, हेल्पर का पकड़ लो 200 रुपये है और फीमेल हेल्पर का पकड़ लो 200 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रेट इनपुट करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट मिलेगी। तो टोटल आपको कॉस्ट यूजिंग लेबर और मटेरियल लगने वाली है 2715 रुपये मतलब 2715 रुपये। उसके बाद जो आप मशीनरी यूज करोगे, स्कैफोल्डिंग यूज करोगे, वो कुछ होती यूज होती नहीं है, वो 0% यूज होती है। अगर आप मोस्ट ऑफ वाइब्रेटर्स वगैरह हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम उसका मतलब नहीं ले रहे। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 1% या 2%। ओके, अगर चलो मान के लिए वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे 1% मान के चलते, 2% मान के चलते, चलो। ठीक है, उसके बाद सन्ड्रीज एंड कंटिजेंसीज के लिए 3% हम कंज्यूम करते हैं, तो इस कॉस्ट का 3% यहाँ पे आएगा। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम 10% अज्यूम करते हैं, मतलब इस कॉस्ट का 10%। और प्रॉफिट एंड ओवरहेड जो कॉस्ट रहता है 1 m³ के लिए, वो हम पकड़ गलते हैं, यहाँ पे 18% होता है जो हम मान के चलते हैं। इसका मतलब 1 m³ का प्लेन सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन करने के लिए दोस्तों आपको 3611 ओके मतलब 3611.99 रुपीज आपको लगेंगे। ये आपका पूरा खर्चा है जो कि आपको इंक्लूडिंग मटेरियल, इंक्लूडिंग लेबर एंड इंक्लूडिंग द प्रॉफिट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पर्टिकुलर एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1000 लाइक्स अगर मिल जाते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, तो दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आप सब लोगों को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के ऐसे यूनिक यूनिक एक्सेल शीट विद कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट के साथ कैसे बनाते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स वी विल सी ओके इन कमिंग डेज। तो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।